हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल कर रहे होंगे। मैं रीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले मेरे बड़े माता पिता, बड़े भाई बहनों को चरण स्पर्श करते हुए रीता का प्रणाम, और मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। आज है तारीख 5 फरवरी और दिन है रविवार का। तो ये टाइम हो रहा है तकरीबन दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं इस टाइम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लॉग तो मैं स्टार्ट नहीं कर रही थी, लेकिन रिया थी तो वही शूट कर रही थी। मेरे आज सर में सुबेरे से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पे होली का जो मतलब त्यौहार तो आते हैं, लेकिन अब ये कह लीजिए कि मैं तो ज़्यादातर अपनी फ्रेंड्स के जो भी कमेंट्स आ रहे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली के कि हाँ हैप्पी होली, उनको यही बोलना चाहती हूँ कि जो घर की लेडीज़ हैं उनके लिए तो होली मतलब जान लीजिए खाली थकावट लेके ही आती है, क्योंकि होली के बाद जो थकावट फील होगी वो सिर्फ हम ही को झेलनी है, दूसरा कोई नहीं झेलने वाला है। तो आज फिलहाल पापड़ वगैरह बनाते बनाते जो कुछ भी काम था घर में निपटाते हुए आज मैं गिर चुकी हूँ एकदम से, मतलब मेरी तबीयत एकदम डाउन हो चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, वही रिया के पापा तेल लगा रहे थे सर में, क्योंकि अब कुछ भी कह लीजिए जो एक हमसफ़र होता है ना वही दुख सुख में अपने काम आता है। तो ये मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, ये मेरे को तेल लगाया था, तो वो जब चले गए तो रिया ने भी थोड़ा देर सर दबा दिया था, तो कुछ रिलीफ जब हुआ तो मैं बाहर आई तो ये गए थे फ्रिज वाले भैया को बुलाने के लिए, क्योंकि हमारा फ्रिज काफ़ी दिनों से ख़राब था। तो फ्रिज की मैंने आज सुबह ही क्लीनिंग की थी, जिसका व्लॉग मैंने शूट किया था, लेकिन शायद वीडियो वो डिलीट हो गया, तो वो वीडियो मुझे नहीं मिला, नहीं तो मैं वो वीडियो भी डाल देती। लेकिन और उसके बाद देखिए अभी मतलब मॉर्निंग में मैंने क्लीन किया था, क्लीन करने के बाद मेरा सर एकदम से दर्द होने लग गया। तो 1:30 बजे 2 बजे तकरीबन भैया जब लाइट आई थी तब आए थे बनाने के लिए, क्योंकि लाइट नहीं रहती तो फिर फ्रिज भी नहीं बन पाती। तो इधर ये बना रहे थे और इनके पापा गए थे सामान वगैरह लाने के लिए, होली की जो भी सामान थे घर के किराना स्टोर का मैंने लिख दिया था, तो वो लाने गए थे तेल वगैरह लगा के, वो मुझे सामान चले गए थे लाने के लिए। और इधर देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि इनके पापा जो पंखा लेके आए थे, एक छोटा सा पंखा लेके आए थे, वो पंखा देखिए इन्होंने लगा दिया है। और क्योंकि यहाँ पे ओसारा कह लीजिए, हमारे यहाँ ओसारा कहते हैं, तो यहाँ पे मतलब ये बैठक वाली जगह है, जैसे कि हम लोग बैठते हैं इसमें गर्मियों के टाइम पे, तो यहाँ पे पंखा नहीं था तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लगती थी। तो कौन सा पंखा था, फर्राटा वाला आप कह लीजिए, जो कि कहीं भी लेके आ जा सकते हैं, तो वो वाला पंखा था। तो अभी इनके पापा ने मतलब ऊपर वाला लगा दिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए ठीक है। अभी हो चुका है करीब 3-4 बजे का टाइम हो रहा है और 2 घंटे बाद ये सामान लेके आए हैं, क्योंकि और देख लीजिए अब सामान भी कम नहीं है, तकरीबन 4,500 का बिल बैठ गया था इसी सामान में, तेल वगैरह, हार्पिक, बेसन, सूजी, मैदा और मसाले वगैरह, मतलब हर एक चीज़ थी। एक तो होली की भी तैयारी करनी थी, ऊपर से घर में भी बहुत सारे सामान ख़त्म थे जो कि मुझे मंगवाने थे। तो इधर रिया दिखा रही है कि ये दाल है और इसमें पता नहीं क्या है, मतलब वही दिखा दी, सब में पन्नी लगी हुई है तो उतना ठीक से दिख नहीं रहा। लेकिन अब यही जान लीजिए कि सामान आने के बाद जब सामान रखना पड़ जाता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी कल रात को ही मैंने मेरी एक यूट्यूब फ्रेंड का मतलब मैंने एक ब्लॉग देखा है, उनके भी घर में काफ़ी ज़्यादा सामान मतलब इसी तरीके से फैला हुआ था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगती है। काम तो कर लेते हैं, ये नहीं है कि काम में एक भी रुका रह जाता है, काम नहीं रुकता है, लेकिन जब इस सारा सामान जब फैला रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा घबराहट से फील होती है कि हे भगवान कैसे होगा इतना सारा काम, और करने के लिए तो ये काम हम ही को करना है, करने के लिए और कोई नहीं आने वाला। लेकिन उस टाइम पे ना काफ़ी अजीब सा फील होता है। अब तो पता नहीं क्यों धीरे धीरे मुझे त्योहारों से भी डर लगने लग गया है, क्योंकि अब उतनी हिम्मत अब धीरे धीरे जवाब दे रही है। थोड़ा थोड़ा घुटनों में भी दर्द रहता है और फिर वीकनेस रहती है, हमेशा कमजोरी की शिकायत, चक्कर आना हमेशा लगा रहता है, तो इसलिए मुझे त्योहारों से भी डर लगता है। और इधर देखिए ये इलायची वगैरह मतलब मंगाई थी मैंने खड़ी की, गुजिया जो हम बनाएंगे उसमें भी डाल सकें, खीर वगैरह में भी हो जाती है, इलायची पाउडर हर चीज़ में काम लग जाता है, चाय वगैरह में भी मैं डाल लेती हूँ। तो काली मिर्च, इलायची, लौंग, खड़ा मसाला ही मैंने सारा मंगाया था और थोड़ा बहुत पिसा मसाला ही मंगवाया था और थोड़ा मुझे अचार बनाना था तो उसके लिए सौंफ, मंगरैल, अजवाइन ये सब भी मंगाई थी। तो ये डिब्बिया मैं आपको दिखा रही थी कि ये अचार की डिब्बिया थी, पहले भी मैंने एक बार व्लॉग बनाया था उसमें मैंने बताया था ये 10-10 रुपए के हमारे यहाँ अचार आते थे, तो उसकी डिब्बिया थी, तो ये डिब्बिया काफ़ी सुंदर लग रही थी, तो मैंने उसमें मतलब एक डिब्बी में सौंफ रख लिया था, एक डिब्बी में तड़का देने के लिए राई रख लिया था, एक डिब्बी में मंगरैल रख लिया था, मेथी था, खाने वाला सोडा था, मतलब छोटी छोटी चीज़ें मैंने भर के इन डिब्बियों में मैंने इस्तेमाल कर लिया था। और इधर देखिए द्रिया के पापा दाल लेके आए थे, दाल बिल्कुल नहीं थी तो मैंने 3 दाल इसमें मिलाई हैं, एक अरहर की है, एक मटर की दाल है, केराव जिसको कहते हैं,
और एक है चने की दाल, तीन दाल मिक्स है इसमें। तो अभी फिलहाल इतना डब्बा मैंने एक 5 किलो का भर लिया है, यह भी चलेगा। और जो बचा रहता है सामान ना, तो वो बाकी ड्रम में रख देती हूँ, जो ड्रम यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी बचा हुआ सामान सारा इसी में जाएगा। तो डब्बे वगैरह मैं नहीं धो पाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पापड़ वगैरह बनाने से मुझे इतनी थकावट हो रही थी, एक तो घर का काम, ऊपर से पापड़ बनाना, फिर बच्चों को भी देखना, खाना बनाना, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा था। तो मैं अभी डब्बे वगैरह नहीं धो पाई हूँ, तो जो काम मैं क्लीनिंग वाला नहीं कर पाई हूँ वो मैं होली के बाद ही करूँगी अब। और इधर रिया के पापा आ गए थे तो डब्बा काफ़ी भारी हो गया था, तो उनसे मैंने कहा कि आप रख दीजिए उठा के। और इधर बाल्टी में भी जो मतलब छोटी सी बाल्टी है, ये रिया के पापा ही लेके आए थे। तो जो सामान मुझे हमेशा इजीली ज़रूरी रहता है कि तुरंत मिल जाए, मसाला, खड़ा मसाला वगैरह, तो वो सब सामान मैंने इसमें रखे हुए थे। और ये देखिए भैया को बनाते समय फ्रिज, काफ़ी रात हो गई थी, तकरीबन 7:30 अब बज रहे हैं, तो अब ये बना के जा रहे हैं फ्रिज। तो आज का ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।